इब्राहिम इब्राहिम जंप लगाओ ना पानी के अंदर, हैं पानी में नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है काशिफ और उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, तो सीन कुछ इस तरह का, जैसे कि आपको पता है कि बारिश हो रही है सुबह की और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुकती है फिर होना शुरू हो जाती है, तो मतलब कि लगातार हो रही है बारिश। तो काफ़ी दिनों से मैं, आपको पता है कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा, तो जो मेरे पास ट्राइपॉड था बड़ा हुआ, माइक वगैरह जो मैंने रखे हुए थे यूज़ के लिए, वो पता नहीं किधर गुम हुए हुए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, ढूंढ ढूंढ के मुझे मिले ही नहीं। तो जो ट्राइपॉड है वो मुझे बड़ी मुश्किलों से मिला है, तो जब वो मुझे मिला है तो उसके हालात बड़े ख़राब थे, वो टूटा हुआ था, उसके जो ऊपर जहाँ पे मोबाइल फिक्स करते हैं वो जगह टूट गई थी ऊपर से। तो अब सीन ये है कि भाई वैस की दुकान पे जाना है और वहाँ से जाके लेके आनी है एल्फी, ठीक है। अच्छा जी, ये ट्राईपॉड है, ठीक है, और ये टूटा यहाँ से है, ये जो जगह इधर, ये जो पीस है ना इसका, ये इधर लगता है ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ पे यूं कर सकते हैं, ऊपर कर ले नीचे कर ले, ठीक है। इसके ऊपर फिर वो लगता है होल्डर, लगता है मोबाइल होल्डर। तो अब मसला ये है कि अब जाहिर सी बात है मैं इसको एल्फी से जोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो फिर मुझे इसको ऐसे करके लगाना पड़ना है और यहाँ तो ऐसे, लेकिन मैं इसको लगाऊंगा ऐसे करके, क्योंकि मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है वाइड एंगल वीडियो बनानी होती है, तो यूँ इस तरह तो बनाते हैं ना जो टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, तो मैं इतनी ही ज़्यादा टिकटॉक वगैरह बनाता नहीं हूँ, ठीक है। खैर वैसे मैं आजकल वीडियो भी इतनी बना नहीं रहा, लेकिन ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोज़ वगैरह बनाई जाएँ रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मतलब ये एक दो दिन छोड़ के। तो ज़्यादातर जब भी बारिश होती है हमारे गांव में, तो मसला ये बनता है कि, मसला तो खैर नहीं बनता, वो थोड़ी देर के लिए होता है, जो भी होता है, होता ये है कि जो है ना हमारी जो गलियाँ हैं गाँव की, उनमें पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। ख़ास करके जो हमारी वाली गली है, ठीक है, इसमें मतलब कि काफ़ी सारा पानी खड़ा हो जाता है, और जो छोटे बच्चे हैं वो जनाब छलांगे लगा के, तो ऐसे उन्होंने स्विमिंग पूल बनाई होती है गली, तो एंजॉय वगैरह कर रहे थे। हम भी किसी ज़माने में ऐसे करते रहे हैं एंजॉय पानी के अंदर, जनाब जैसे ही पता लगना जी बारिश हुई है और गली में पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, तो हमने भी जनाब पानी के अंदर छलांगे लगा देनी ये वो। मगर ये है कि, अच्छा अब बात ये है कि जाना है भाई वैस की दुकान पर, ठीक है। तो भाई अवैस की दुकान पे जाने के लिए अब मुझे वो गली पार करनी है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े से सीन्स वगैरह भी दिखा देता हूँ कि क्या सीन होता है जब हमारे गांव में जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो फिर क्या सीन होता है, क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो वो सीन मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फिर, चलिए उठिए। तो ये गली है, ठीक है, तो ये गली ज़रा ऊंची है जिसकी वजह से यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे पानी होता है ना वो गली आगे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, ये देखें बच्चा क्या कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। इब्राहिम इब्राहिम जंप लगाओ ना पानी के अंदर, हैं पानी में नहीं जाना, हैं पानी में नहीं जाना। इब्राहिम जाओ ना पानी में। ये देखें कि किसी की चप्पल तैर के आ रही है। तो अब करना ये है कि पोंचों को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और चलते हैं जी भाई वैस की दुकान, चलते हैं भाई वैस की दुकान पे। ये चेक करें जी पानी, अभी असल में पानी है जो सा ये कम हो गया है, क्योंकि बारिश है जो सी वो वक्रे वक्रे से हो रही है ना, तो अब जब से गलियां पक्की हो गई हुई हैं तब से पानी जो सा वो जल्दी मतलब कि निकल जाता है, लेकिन पहले जब गलियाँ कच्ची थी तो तब तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था। चेक करें जी, ये देखें, और ये अब ले लिया मैंने, अब जाके ट्राईपॉड को जोड़ते हैं।
जी अभी अभी आया हूँ मैं, और मेरी जो शर्ट थी वो गीली हो गई थी बारिश की वजह से, तो वो चेंज की है। अब करना ये है कि ये ट्राईपॉड और इसका जो मैंने आपको हिस्सा दिखाया था जो टूटा हुआ है उसको जोड़ेंगे अब। ठीक है, इससे पहले बंद कर लेते हैं क्योंकि ऐसे फिर काम ठीक तरह नहीं होगा। सही, तो इसको पहले बंद कर लेते हैं। ये हो गया बंद। ठीक है, अच्छा तो इसकी ये वाली जगह थी जो टूटी हुई थी, तो इधर अब हम इसका जो पीस है, पीस मैंने पता नहीं किधर रख दिया। एक मिनट। 1 eternity later। आखिरकार मिल गया। अच्छा, इसको लगाना है इधर। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाएंगे क्योंकि जो वीडियो है वो वाइड एंगल में बनानी होती है, इसलिए। क्योंकि अगर इस तरह लगाई इस तरह तो फिर वो टिकटॉक, जो टिकटॉकर यूज़ करते हैं वो फिर इस तरह लगाते हैं, ऐसे ऐसे रखा होता है उन्होंने। ठीक है, और इसके साथ ये जो मोबाइल होल्डर है ये ऐसे लग जाता है। ठीक है, ये पता नहीं क्या लगा हुआ इसके साथ। अच्छा, ये इसको ऐसे लगाया हुआ होता है जो टिकटॉकर जो उनसे होते हैं उन्होंने। ठीक है, लेकिन हम भाई टिकटॉकर नहीं है। ठीक है, मतलब कि कभी कभी थोड़ी बहुत तो चलो हम बना लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम प्रोफेशनल टिकटॉकर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऐसे रख के, ऐसे रख के, तो ये फिर यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और फिर बनेगी वाइड एंगल वीडियो। ठीक है, अभी इसको हमने पहले क्या करना है, यहाँ पे हम एलपी लगा के इसको पक्का कर देंगे। ठीक है, तो एलपी मैंने लगा दी है। ठीक है, अब ये पक्का हो गया इधर से, तो इसको अब इसके ऊपर फिक्स करते हैं। ये हो गया इधर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फिक्स। ठीक है, हाँ जी, ये इधर फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी और एलपी लगा लेनी चाहिए क्योंकि अभी ये मुझे डर है कि फिर ना टूट जाए, तो थोड़ी सी और लगा लेते हैं। तो अभी इसको साइड पर करके रख देते हैं ताकि जो एल्फी है वो अपना असर करे और पक्का हो जाए एकदम, ये ताकि फिर मसला न करे बाद में। तो इसको साइड पर रख देते हैं। ये देखें जी, मौसम आपके सामने है। तकरीबन कल सुबह का इस तरह का मौसम है। ठीक है, और बारिश है जो सी वो वक्के वक्के से हो रही है, किसी टाइम तेज़ होना शुरू हो जाती है, किसी टाइम रुक जाती है, और फिर किसी टाइम हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी मतलब कि अजीब सा मौसम है क्योंकि कोई भी चीज़ हो हद से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, चाहे वो बारिश हो चाहे वो गर्मी हो। तो